अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम मैं आज लगाएंगे, पहले इसके अंदर डालेंगे एलोवेरा। ये हो गई है फिनिश। जी, दो अदद हम एलोवेरा के पीस लेंगे। ये हमारी बिल्कुल फ्रेश है, घर की बनी हुई है, हमने घर में उगाई हुई है ये। इसे मैश करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह मैश हो चुकी है। तो जी ये देखें, जब ये वगैरह इस कंडीशन में आ जाए, यकजा हो जाए, तो फिर हम इस पर बाकी अज़ा डालेंगे। अब इसके अंदर एक अदद लग जाएगा। अब इसे भी मैश कर लेंगे। कुछ इस तरह का इसका बैटर बन जाएगा, तो हम इसके अंदर नींबू भी डालेंगे। फाइव इसके अंदर आप नींबू डालेंगे। जी तो इसमें 5 अदद आप लेमन ऐड करेंगे। ये भी देखिए बिल्कुल ग्रीन वाले हैं, हमारे अपने घर के हैं। तो हम इसे अब मिक्स कर रहे हैं मैश। जी तो ये एक बैटर सा बन गया बिल्कुल। येलो फिश वो कलर का है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मेहंदी। तो ये अब हम डालने वाले हैं। जी तो ये अब हम इसमें मेहंदी डालेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आपने डब्बी वाली लेनी है या आपने पत्तों वाली जो होती है वो लेनी है। हमने तो इसमें ये पत्तों वाली शामिल की। अब इससे हमने ब्राउन बैटर भी करना है। तो भी इसे मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक डब्बी वाली भी है। और केमिकल्स होते हैं ये। यस, इससे आपका हेयर का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो ब्लैक है, सॉरी हम ये नहीं डाल रहे, इसके अंदर ब्लैक और रेड दोनों होती हैं, तो हम सिर्फ रेड ही यूज़ करेंगे। हम साथ साथ पानी भी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे।
चलो बन गया। तो कुछ इस तरीके का हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसे और पतला करेंगे, थोड़ा सा बस। तो ये देखिए कुछ जी, तो ये देखें अब हमारा मेहंदी का जो बैटर है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रखेंगे रेस्ट पे, उसके बाद फिर हम इसे अपने हेयर्स में यूज़ करेंगे। इससे आप लोगों के बाल बहुत जल्दी, इनकी ग्रोथ बढ़ेगी, सिल्की होंगे और बिल्कुल ब्राउनिश शेप में आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।